हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंफोटेक हब। इंफोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। इस यूपीएस के बारे में, जो यूपीएस है इसको पावर बटन अगर हम बंद करते हैं, पावर बटन हम बंद करते हैं, अगर जैसा ये दिख रहा है पावर बटन, इसे हम बंद करते हैं तो ये जो है यूपीएस बंद हो जाता है। पावर बटन ऑन करते हैं तो यूपीएस चालू हो जाता है, लेकिन यूपीएस जो है प्रॉपरली काम नहीं करता लाइन आने के बाद, तो उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी पिन को निकाल लेना है। निकालने के बाद में इस यूपीएस को हम ओपन करेंगे, इसको पलटा देंगे इस तरीके से और इसे जो है ओपन करेंगे। इसका सर्किट है, इसके अंदर पावर सप्लाई आती है, इसके बाद में ये इसके अंदर में बहुत सारे डिवाइस लगे हैं, जैसा कि किट है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर है, उसके बाद में ये जो है निगेटिव पॉजिटिव पोर्ट है, ये निगेटिव पॉजिटिव पोर्ट दिए गए हैं, दो पोर्ट एक साइड ज्वाइंट है, दूसरा पोर्ट जो है वो इस तरीके से, जैसे इस तरीके से निकाल लेना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम जो पोर्ट निकाल रहे हैं उसी जगह पर लगाए, जैसा यहाँ ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक ही लगाए, यहाँ पे सिर्फ हमको कोई भी पोर्ट हम लगा सकते हैं क्योंकि ये डबल बैटरी यूपीएस है। फिर इसको निकाल लें यहाँ से, उसके बाद में इस बैटरी को चेक करने के लिए हम ये बैटरी देखेंगे, इस तरीके से बैटरी है, ये बैटरी ओके है या नहीं उसको चेक करना है हमको। सिंगल बैटरी से हम लगा के देखते हैं, ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में। उसके बाद में जब हम ऑन करेंगे देखें तो बैटरी जो है वो बैटरी डाउन है। यहाँ पे देखिए लाइट ये दिख रहा है, ये लाइट, ये जो लाइट दिख रहा है ये चालू नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी खराब हो चुकी है। दूसरी बैटरी लगा के देखते हैं, यही लगा देंगे, फिर ऑन करके देखते हैं हम इसको, इसका मतलब ये भी बैटरी खराब हो चुकी है इस तरीके से। ये फिर हो सकता है इसका सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें करना ये है कि ये बैटरी को इस तरीके से चेंज कर देना है और चेंज करके जो है फिर से अपने यूपीएस को जैसा कि वैसा लगा देना है। इस तरीके से लगा रहे हैं। ये जो पिन लगाते हैं हमें एक चीज का ध्यान रखें कि जो पिन जब हम लगाए तो उसे प्रॉपरली फिट करें इस तरीके से। उसके बाद में ये जो बॉक्स को हम बंद कर रहे हैं, इसको लगाने से पहले ये जो लॉक है इसको प्रॉपर चेक कर ले, किस साइड में लॉक है, ऐसा इस तरीके से। देखिए ये जो लॉक का पिन है ये यहाँ पे लगना चाहिए। उसके बाद में हम जो है पहले इसको फिट कर देंगे ऊपर के बॉक्स को। उसके बाद में जो है ये जो होल देख रहे हैं, इस होल को ये सॉकेट में अटकाना है इस तरीके से, और उसके बाद में इसे पुश कर देना है तो ये जो है फिट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमें जो है इसके स्क्रू लगा देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू वेरी मच।